दोस्तों विद्युत चमल की आने वाली फिल्म द पावर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है जी स्टूडियो पर और क्या कमाल का ट्रेलर है। 2 मिनट 39 सेकंड में मुझे लगा मैंने एक छोटी सी फिल्म देख ली, इतना बढ़िया लगा। स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं श्रुति हसन और विद्युत जामवाल की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। पहली बार साथ में काम कर रहे, दोनों का प्यार काफी अच्छा फील आया, देखने को अच्छा लगा। उसके बाद जब एक्शन चालू होता है आधा ट्रेलर होने के बाद लगभग 1.5 मिनट के बाद तो धमाकेदार है। लास्ट का 40 सेकंड विद्युत जामवाल जमीन पर नहीं हवा में उड़ रहा है, एक दूसरे को मार रहे, तीसरे को मार रहे, चौथे को मार रहे, पांचवे के साथ मुक्काबाजी कर, छठे को पीटे रहे, मतलब मजा आ गया। मतलब ऐसा एक्शन मतलब काफी वक्त के बाद, और मेरे ख्याल से एक्शन का लेवल जो है ना विद्युत जामवाल ने बहुत हाई रखा है। जैसे टोनी जा कहीं ना कहीं एक और एक्टर है ओवैस, ओवैस नाम का एक हॉलीवुड कोई कोरियन कोई तो एक्टर है, ओवैस पता नहीं रेड वाला राइट, तो वो जो एक्टर्स है ना उनकी जो एक मार्शल आर्ट्स वाला जो एक फाइटिंग होता है ना उस तरह का फील लेकर आया है यहाँ पर विद्युत जामवाल। श्रुति हसन भी अच्छी खास दिख रही है। यहाँ पे डबिंग थोड़ा इश्यूज का लग रहा है, मुझे डबिंग इश्यूज थोड़ा लग रहा है। महेश मांजरेकर भी अच्छे दिख रहे हैं, सचिन खेड़ेकर भी इस फिल्म में है। यहाँ पे एक डायलॉग जो है वो आपके जबान पे चढ़ जाएगा, पिंजड़े में उतरने से पहले ये देख लो पिंजड़ा खुला है या बंद है, और वो भी तब जब आपको पता हो कि उसमें पिंजड़े में शेर है। तो अच्छा डायलॉग है, बहुत कैची है, तुरंत एक बार मुझे याद हो गया, दैट मीन्स इट्स अ गुड डायलॉग, गुड दो तीन अच्छे अच्छे डायलॉग है। टेलर बहुत कमाल का है, क्लासी है। मेरे हिसाब से डबिंग इश्यूज है बहुत सारे, और कोई इशू ज्यादा लग नहीं रहा है। एक्शन कमाल का है, द पावर जो नाम है एकदम फिट बैठता है इस ट्रेलर पर। मैं इसे 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा 5 में से, यानी कि 70% out of 100% विच इज ए डिस्ट्रिक्शन रेटिंग। आपको कैसे लगा ये ट्रेलर रिव्यू जरूर बताएगा। अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंपॉर्टेंट बात, ये फिल्म ZEEPLEX पे आने वाली है 14 जनवरी को। 199 रुपए 99 देकर आपको ये फिल्म देख सकते हैं ZEEPLEX चैनल पर।